अरे राहुल, कैसा भंडारा करवाया है तुमने? तुमने सब्जी का ढेर लगवा लिया पकवा के, लेकिन पूरी का नामो निशान नहीं है। 2 घंटे हो गए हम खाली सब्जी खा रहे हैं, पूरी का नामो निशान नहीं है। वो देखो अखिलेश 2 घंटे से हाथ पे हाथ रखे बैठा है। अरे मोदी जी क्या बताऊं, मुझे इतना पता नहीं था कि इतनी भीड़ आ जाएगी भंडारे में। मैं तो ये समझ रहा था कुछ ही लोग आएंगे, लेकिन बहुत लोग आ गए। बजट थोड़ा टाइट था, मैंने सब्जी ज्यादा बनवाई थी, आटा थोड़ा कम था, पूरी कम बनी थी। मुझे ये पता नहीं था इतने लोग आ जाएंगे खाने के लिए। अब मैंने आटा उधार मंगवाया है राजनाथ सिंह जी की किराना स्टोर से। आटा आएगा, बनेगा, फिर पूरी बनेगी। कुछ देर और इंतजार करो, बस बस 1-2 घंटे और इंतजार कर लो। अरे राहुल, इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। जो हम खा चुके हैं वो इतनी देर में तो हजम हो जाएगा 2 घंटे में। फिर हम दूसरा खाना खाएंगे, तुम्हारा ही नुकसान होगा, डबल डबल खाना खाएंगे हम। अरे कोई बात नहीं योगी जी, 2 बार खाना, 3 बार खाना, 4 बार खाना, खाते रहना जितना खा मिले। अब तो राजनाथ सिंह ने आटा उधार देने को कह दिया है, कह रहे हैं कितना भी आटा ले जाओ भंडारे के लिए छूट है। वैसे राहुल एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, जब तुम्हारा बजट टाइट था तो तुमने इतना भारी भंडारा क्यों कराया? छोटा भंडारा करा लेते, कम लोगों को बुला लेते। अरे सब्जी का तुमने ढेर लगवा लिया है, पूरी का नामो निशान नहीं है। रोको भाई, रोको रोको मोदी जी, रोको अपनी बैलगाड़ी, रोको, थोड़ी बात करनी है, रोको। अरे रोक ली अखिलेश, रोक ली। बोलो क्या बात करनी है, अपनी बात तो बताओ। तुम तो बेवजह ऐसी रोकते फिरते हो बैलगाड़ी को, ना खुद काम करते हो ना करने देते हो, समझे? तुम्हारे बैल कहाँ गए बैल? अरे मोदी जी, तुम जानते ही थे मेरे पास 1 जोड़ी बैल थे, और बहुत पुराने बैल थे, बहुत ही टाइम से थे। लेकिन एक बैल कुछ दिन पहले मेरे घर से भाग गया, वो आज तक वापस नहीं आया है। मुझे 1 बैल खरीदना है, तुम अपना 1 बैल मुझे बेच दो, मेरे पास जोड़ी हो जाएगी, मुझे खेत जोतने को पड़ा है। अरे ये बताओ अखिलेश, अगर मोदी जी अपना बैल तुम्हें बेच देंगे, वो भी 1, तो वो क्या करेंगे? वो चारे का काम करते हैं, चारा काट के लाते हैं और लोगों में बेचते हैं, वो अपना काम कैसे करेंगे चारे का? ये बताओ बैलगाड़ी कैसे चलाएंगे? अरे योगी जी, मैं मोदी जी से 1 ही बैल तो मांग रहा हूँ, इनके पास 3 बैल हैं, 1 एक्स्ट्रा बैल है, तभी तो मांग रहा हूँ। ये मुझे बेच दें, ये अपना राइट बोले, अभी मैं खरीद लूंगा इनका बैल। इनके पास तो जोड़ी फिर भी रह जाएगी अगर 1 बैल बेच देंगे ये। हाँ अखिलेश चलो, मैं बेचने के लिए तैयार हूँ 1 बैल, तुम्हारा भी काम चल जाएगा। बोलो क्या रेट दोगे मेरे 1 बैल का? अरे मोदी जी, तुम्हारा बैल है, तुम अपने आप रेट बताओ, समझे? अपनी चीज का अपने आप रेट बताओ। चलो ठीक है, 30,000 रुपए दे देना मेरे बैल के, और अगर लेना चाहो तो हाँ ना में जवाब दे दो। अरे कोई बात नहीं मोदी जी, बैल मेरा हुआ, मैं तो ज्यादा सोच रहा था, मैं सोच रहा था तुम 35,000 रुपए मांगोगे, बहुत अच्छे रेट मांग लिए तुमने। लाओ मैं 35,000 रुपए घर जाके देता हूँ, और मुझे बैल दे देना। मोदी जी तुमने बैल तो बेच दिया, लेकिन मैं तुम्हारे बैल बेचने से खुश नहीं हूँ। तुम अखिलेश को बैल नहीं बेचते, किसी को भी बेच देते। चलो कोई बात नहीं, जब बेच दिया तो बेच दिया। अरे मोदी जी कोई खाने का इंतजाम करो, आज 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया, और आज 5 दिन हो गए मैं नहाया नहीं हूँ। 6 दिन से अपना इस झोपड़ी पे फंसे हुए हैं, पूरी की पूरी झोपड़ी फंस गई, इस बाढ़ ने तो बिल्कुल परेशान करके रख दिया है। पता नहीं कब घटेगा पानी, बाढ़ का पानी घट ही नहीं रहा है, क्या करा जाए समझ में नहीं आता है। योगी जी कुछ खाने का इंतजाम करो। अरे मोदी जी मैं कहाँ से खाने का इंतजाम करूँ, मैं तुमसे ज्यादा भूखा हूँ। यहाँ पे उतरते ही ठोर हाथी डुबाओ पानी है, इतना पानी है कि आदमी तुरंत डूब जाएगा, और मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता है, खाने का इंतजाम कहाँ से करूँ? ऐसा करो, अखिलेश को तैरना आता है, और वो देखो दूर थोड़ी सी दूरी पर एक आम का पेड़ है, ये ताजे ताजे आम तोड़ के ले आएगा, इसे भेज दो, ये ले आएगा आम तोड़ के, और अपनों का पेट भर जाएगा। अरे योगी जी मैं क्यों जाऊं वहां आम तोड़ने के लिए, क्या मरवाने को फिर रहे हो? अरे वो पेड़ कम से कम 200 मीटर की दूरी पे है, और मेरी तैरने की क्षमता सिर्फ 100 मीटर है, मैं नहीं जाऊंगा आम लेने के लिए। कुछ भी करो, ऐसा है हल्के हल्के पानी घटना चालू हो गया है, अब पानी घटने लगा, थोड़े दिन में पानी घट जाएगा 1-2 दिन में। और मोदी जी तुम क्या कह रहे थे, तुम 7 दिन से नहीं नहाए हो, 6 दिन से नहीं नहाए हो? अरे पास में तो पानी है, इसमें गोता मारो नहा लो। अरे कैसी मजाक करते हो अखिलेश, इसमें गोता मारूंगा तो अंदर ही चला जाऊंगा। अभी योगी जी ने बताया नहीं हाथी डुबाओ पानी है, वो तो भगवान का शुक्र है कि ये मैंने झोपड़ी बहुत ऊंची करके बनाई थी, जो झोपड़ी पे अपना इतने दिन टिक गए, अब पानी घटना चालू हो गया है, 2-3 दिन में घट जाएगा, लेकिन 2-3 दिन तक पेट तो भरना ही है, कैसे भरा जाए?
अरे अखिलेश, इस मटके में जरा कहीं से पानी देख के ले आओ, गला बिल्कुल खुशक होगा जा रहा है। गले में ऐसा कांटे से निकल रहे, कितना भयंकर सूखा पड़ा है, दूर दूर तक पानी नहीं है, नीचे की जमीन चटके खा गई, कितनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई, फसल पैदा नहीं हुई है, क्या करा जाए समझ में नहीं आता। मैं नहीं जाऊंगा मोदी जी, मैं बिल्कुल भी पानी देखने नहीं जाऊंगा। अरे अभी आके बैठा हूं मैं, 3 किलोमीटर दूर घूम के चला आया, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है, तालाब कुएं सब सूख चुके हैं, कहीं पर भी पानी नहीं है, बताओ कहां पे देख के आऊं। आप योगी जी को भेजो, ये बैठे रहते हैं बस, बैठे बैठे कुछ नहीं करते। योगी जी तुम ही चले जाओ। सही कह रहा है अखिलेश, अखिलेश सुबह से 2 चक्कर मार आया, कहीं पर भी पानी का नामो निशान नहीं मिला, शायद तुम घूमने जाओ कहीं पे पानी मिल जाए। लो ये मटका ले जाओ, घड़ा ले जाओ, इसमें पानी ले आओ, पानी तो पीना ही है। मोदी जी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मौसम विभाग ने कल बहुत भारी बारिश बताई है, कल बहुत भारी बारिश हो जाएगी, टेंशन मत लो, फिर पानी पानी होगा सब तरफ। अरे कल पानी होगा, कल तक तो पानी पीना ही है योगी जी, कल तक के लिए तो देख के ले आओ कहीं से पानी, बहाने बहुत बनाते हो। मौसम विभाग ने तो परसों भी बारिश बताई थी, कहाँ हुई परसों, देख के लाओ पानी कहीं से। ठीक है जाता हूँ देखने, मुझे पानी मिल ही जाएगा, एक जगह पानी मेरी नजर में है, मैं लेके आता हूँ, वहां का कुआं सूखा नहीं है। अरे योगी जी तुम्हारी कार तो मैंने भाड़े पे लेके बहुत बड़ी गलती कर दी, ये तो दम ही नहीं दे रही है, खेत को जोती नहीं पा रही है समझे, इससे अच्छे तो मेरे बैल थे, बैल निकम्मे पता नहीं कहाँ भाग गए, लगभग 1 महीना हो गया भागे हुए, मेरा खेत बंजर हुआ जा रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हारी कार भाड़े पे ली, मैंने सोचा कार से खेत जुतवा लूंगा, लेकिन तुम्हारी कार दम ही नहीं दे पा रही है और तुम्हारा ड्राइवर भी बिल्कुल बेकार है। क्यों योगी जी कैसी कार रखते हो ये? अरे मेरी कार को बेकार बता रहे हो मोदी जी? ये कुना कहो तुम्हारा खेत ही इतना हार्ड हो गया है, बंजर हो गया है, जो जुती नहीं पा रहा है समझे, इसमें तो कोई भी चीज खेत को नहीं जोत पाएगी, तुम्हारे बैल होते वो भी नहीं जोत पाते, पहले इस खेत को पानी भरते या बारिश होती तो जुतवाते, अब इससे नहीं जुत पाएगा मेरी कार से, जितने का तुम भाड़ा दे रहे हो इससे ज्यादा तो ये पेट्रोल खा चुकी है, बिल्कुल आगे बढ़ी नहीं पा रही है, वहीं की वहीं दम तोड़ रही है ये मेरी कार। मोदी जी मैं पहले ही कहता था तुम योगी जी की कार मत करो, लेकिन तुमने योगी जी की ही कार कर ली, कार वाले थोड़े आदमी है, राहुल भी है, केजरीवाल भी है, इनमें से किसी की भी कार कर लेते, वो ज्यादा झिकझिक नहीं करते हैं, उनसे कितना ही खेत जुतवाओ, पिछली बार भी तो अपनों ने खेत जुतवाया था केजरीवाल की कार से, उन्होंने कितनी आसानी से जोत दिया था।